इधर आएगा एक राइट एक इधर हाँ होम फील्डर है ऋषभ पंत ये कह रहे इधर फील्डर आना चाहिए बोलर को बता रहे हो फील्डर और बोलर ने लगा भी दिया वहां पे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रही है। ऋषभ पंत बैटिंग करते हुए बांग्लादेश के कैप्टन शांतो से कहते हैं कि भाई यहाँ भी फील्डर आएगा यहाँ भी एक फील्डर लगा। ये बांग्लादेश वालों का इतना दिमाग खराब है भाई, इतनी झंड है इन लोगों, इनको ये नहीं समझ में आता फील्डर कहां खड़ा करें। 2019 में शायद महेंद्र सिंह धोनी ने भी ऐसा ही किया था, इन कंगलुओं को बताया था ये सफेद कपड़ा यहां खड़े हो जाओ। एक क्रिकेट टीम में ना ऋषभ पंत जैसा करैक्टर दूसरा कोई नहीं है, मतलब वो डिफरेंट ही ब्रीड का है। ये मुझे ना ऋषभ पंत को देखकर विराट कोहली को देखकर यार ये ब्रीड ही डिफरेंट है। इसके बाद ये भी नहीं कि मना कर दो कि नहीं नहीं भाई हम दूसरी फील्डिंग ले रहे हैं, हम दूसरा फील्ड ले रहे हैं, उसके बाद एग्री भी कर, फिर उसके बाद वही खड़ा भी कर देते हैं। भाई सही कह रहा भाई पंत, ऋषभ पंत जैसा विकेट कीपर बैट्समैन मेरा ख्याल है हर टीम में होना चाहिए। मैं इसको देखता हूं तो कभी कभी तो एनवी महसूस करता हूं, मैं कहता हूं यार साढ़े कोहली इस टाइप का बंदा कदू आवेगा। सीरियसली आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं यार। तू बल्लेबाजी कर, एक बात बताओ भाई कितना भयंकर पपलू कट जाता। एक तो भाई तुम अपना लंबी पारी खेलने के चक्कर में हो क्योंकि दिख रहा है कि लंबी पारी खेलोगे। मान ले वो बंदा वहां आ गया जो कि आया बाद में, अगर उसी के हाथों आउट हो जाओ भाई कैसा फील होगा। इतनी तारीफ कीजिए ऋषभ पंत की कम है, और ऋषभ पंत अब ग्राउंड में आया तो आपको ह्यूमर तो मिलता रहेगा। मतलब यार आप सोचो आपने ये कहां देखा है कि एक बैटिंग टीम का बैट्समैन ऑपोजिट टीम की फील्डिंग सेट करा रहा है यार, ये आपने देखा है कहीं? खुद बताओ यार, इसके लिए ना आपको बड़ा डिफरेंट किस्म का इंसान होना पड़ता है। मगर जो तूती बोल रहा है भारत के क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूं, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में बल्कि मैचेस जीतते हैं जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ उनको टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना तो एक ड्रीम ही हो सकती है किसी भी विजिटिंग टीम की आजकल। अजीब ड्रामा चल रहा था यार, मैंने कहा यार इस बंदे का लेवल चेक करो, और ये बंदा टेस्ट क्रिकेट में नाना करते ना 2 साल बाद गेम वापस आ रहा है। इसने लास्ट टेस्ट मैच को इतना टाइम फ्रेम पहले खेला था, उसके बाद इसकी टेस्ट क्रिकेट में रिटर्न बैक हो रही है, एक्सीडेंट हुआ, इसने इतना कुछ देखा, मौत के मुंह से वापस आया। इसे ख्याल रखा है बीसीसीआई ने, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी कि इसको 100% फिट करके लाना। प्लेयर्स का पता है ना कि कितना बड़ा प्लेयर है, टीम इंडिया के लिए क्या कुछ कर सकता है, और वो उसने करके दिखाया आज भी और 2 साल पहले भी इंडिया के लिए। आपके पीछे और भी घोड़े लगा दिए जाते हैं तो आपको फिर अपने आप को भी संभालना है और हर मैच ऐसे खेलना है जैसे आपका आखिरी मैच है, और अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है। यहाँ पे मीडियोक्रिटी की कोई जगह नहीं है। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए ही भारत बहुत बड़ी टीम अब बन चुकी है, और इसका क्रेडिट जो है उनके सिस्टम को देना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश मैच के दौरान जब ऋषभ पंत और मतलब सुमन गिल बैटिंग कर रहे थे, उस समय ऋषभ पंत ने जिस तरह से फील्डर को बताया कि यहाँ पर फील्डर नहीं बल्कि यहाँ पर रहेगा, वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि आखिरकार ऋषभ पंत ने मतलब बांग्लादेश के फील्डर को चेंज क्यों कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से फनी मोमेंट मतलब देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने मतलब बांग्लादेश के कप्तान को कहा कि एक फील्डर इधर होना चाहिए, जिसके बाद से बांग्लादेश के कप्तान ने वो फील्डर को चेंज करके जहां ऋषभ पंत ने कहा था वहां पर लगा भी दिया, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इंडियन क्रिकेट टीम में ना ऋषभ पंत जैसा करैक्टर दूसरा कोई नहीं है, मतलब वो डिफरेंट ही ब्रीड का है। ये मुझे ना ऋषभ पंत को देखकर विराट कोहली को देखकर और कौन है गौतम और ईशांत शर्मा जरा और टाइप किया, विराट कोहली और ऋषभ यार ये ब्रीड ही डिफरेंट है। अब ऋषभ पंत को देखो, अच्छा कॉन्फिडेंट, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो आपको बड़ा डिफरेंट किस्म का नजर आता है। आप इन चारों को देखें, पंत, कोहली, गंभीर, ईशांत शर्मा, आप इन चारों को देखो, फॉर दैट मैटर वीरेंद्र सहवाग भी ऐड करो ना, ये 5 देख लो। चलो आपने इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा कितना डिफरेंट आपको नजर आता है इनके प्लेइंग डेज में। 2 तो खेल रहे हैं ना, 3 तो अब नहीं खेलते, इनका कॉन्फिडेंस लेवल याद करें। अब आप ऋषभ पंत का देखें, वो भाई साहब फील्डिंग एडजस्ट करा रहा है बांग्लादेश वालों को, मेरा हंस हंस की हालत ख़राब होगी। मैंने कहा यार ये दिन भी देखने थे, ऋषभ पंत वहाँ पर बैटिंग एंड के ऊपर खड़ा होकर उसको फील्डिंग वगैरह इधर आ जा यहाँ खड़ा हो जा। अब उसकी मैं देख रहा था, मैंने कहा यार 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऋषभ उसी को कह रहा है कि इधर शॉट खेलूंगा तू इधर आ जा, या शांतू ने किसी फील्डर को कहीं खड़ा किया उसको सही समझ नहीं आ रही थी मुझे मेरे कैप्टन ने बांग्लादेश के कहाँ खड़ा किया है, तो उसको फिर ऋषभ गाइड कर रहा होगा कि ओ भाई उसने कहा है इधर खड़ा हो इस जगह के ऊपर लेग साइड के ऊपर, क्योंकि वो जो एक्शन रिप्लेस मैंने देखे थे उसमें वो फील्डर कभी इधर भाग रहा था बेचारा कभी उधर भाग रहा था। जिंदगी अल्लाह ने दी है और उसके बाद वो फिट हुआ है
और मेरे ख्याल से सलूट है मेडिकल पैनल को, उस ट्रेनर को जिसने पंत के साथ काम किया और ऐसी इंजरी के बाद उसको ऑलमोस्ट कोई 13-14 महीने के बाद फील्ड में ले आया। और क्या मोटिवेशन है पंत की, यही कर सकता है कि इस हालात से, इस इंजरी में काम करके वापस आया। उसके बाद मेरे ख्याल से जैसे ख्याल रखा है बीसीसीआई ने, किसी चीज की कमी नहीं आने दी कि इसको 100% फिट करके लाना। प्लेयर्स का पता है ना कि कितना बड़ा प्लेयर है, टीम इंडिया के लिए क्या कुछ कर सकता है, और वो उसने करके दिखाया आज भी और 2 साल पहले भी इंडिया के लिए। उन्होंने एक्सीडेंट होने के बाद कोई फिटनेस टेस्ट नहीं लिया, फिर मैं बोलूंगा कोई अपनी गलतियां छुपाने के लिए कोई ऐसी फजूल बातें नहीं की। इंडिया के पास कोई कमी नहीं थी विकेट कीपर बैट्समैनों की। जुरोल ने अभी एक टेस्ट मैच, इस टेस्ट मैच से पहले मैन ऑफ द मैच हुआ है वो। अगर जो तूती बोल रहा है भारत के क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूं, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है, इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना तो एक ड्रीम ही हो सकती है किसी भी विजिटिंग टीम की आजकल। मगर टफ टाइम एक आधे सेशन में जरूर दिया, मगर उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो भारत को चैलेंज कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। सो चौथे दिन मुकाबला खत्म, और आप देखिए कि किस तरह से बॉलर्स ने साथ दिया रोहित शर्मा के इस विक्ट्री में। पहली इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स छा रहे, दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स छा रहे, और टेस्ट मैच कमाल का था रवि अश्विन का। घर में खेल के 100 भी करना और 6 विकेट्स भी लेने, कमाल की महारत और कमाल की ऑलराउंड एहलियत है। शायद इनको उस तरह का मुकाम क्रिकेट में नहीं मिला है जिस तरह के मिलना चाहिए एक ऑलराउंडर की हैसियत से, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स पे जाएं तो रवि अश्विन किसी से कम नहीं है, मौके पे सेंचुरी, मौके पे विकेट्स और ज्यादा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि जिस तरह से ऋषभ पंत का वीडियो वायरल हुआ भारत और बांग्लादेश मैच के दौरान, जब दूसरा दिन मतलब दूसरे पारी का सेशन चल रहा था भारतीय टीम का, उस समय ऋषभ पंत और सुमन गिल बैटिंग कर रहे थे और दोनों ने सेंचुरी का स्कोर किया, लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे लगभग 80+ रन बना चुके, उसके बाद वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे और पूरी तरीके से कूल थे, जिसके दौरान एक मतलब फील्ड पर एक देखने का मौका मिला सभी लोगों को देखने का, मतलब ऋषभ पंत का एक फनी मोमेंट देखने को मिला जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के कप्तान को फील्ड चेंज करने के लिए बोला कि ये फील्डर यहां नहीं यहां रहेगा, जिसके बाद से बांग्लादेश के कप्तान ने उस फील्डर को तुरंत चेंज करके जहां ऋषभ पंत ने कहा था वहां भी लगा, वहां तुरंत लगा दिया, जिसके बाद से जो कमेंटेटर थे उन्होंने भी जिस तरह से इस मोमेंट को मतलब मजे लिए आप सबने वीडियो में देख ही लिया होगा। लेकिन जिस तरह से सपंत का पहली बार फनी वीडियो नहीं है, बल्कि जब भी स्टंप माइक के पीछे रहते हैं, जब भी कीपिंग करते हैं, वो इस तरह की मोमेंट मतलब फनी मोमेंट बनाते रहते हैं और पूरी दुनिया उनको देखकर हंसती रहती है। लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत का कमबैक हुआ, आज से लगभग 1.5 साल पहले ऋषभ पंत का जिस तरह से कंडीशन था, सभी लोग यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरीके से वो चल मतलब फील्ड में आ जाए, चलना स्टार्ट कर दें, लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत ने कमबैक दिखाया पूरी तरीके से सभी को हैरान कर दिया। और जिस तरह से ऋषभ पंत का ये वीडियो वायरल हो रहा है, सभी लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया देखकर इसको हैरान है कि आखिरकार बांग्लादेश के कप्तान को भारती कौन होते हैं जो मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ऋषभ पंत ने सभी का दिल छुया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।